अगर दोस्तों आपके बच्चे भी बाहर खाने के लिए जिद करते हैं तो आप घर पर बना सकते हैं। बाहर से ज़्यादा टेस्टी खाना देखने में अच्छा नहीं लगेगा पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आप एक दो बार बनाओगे तो कुछ ख़राब भी हो सकता है, पर अगर बार बार बनाओगे तो बाहर से ज़्यादा टेस्टी खाना घर पर बना सकते हो और फिर आपको बाहर का खाना पसंद भी नहीं आएगा। घर में इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बनता है। आज हमने बनाया है बहुत टेस्टी खाना जो बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने ली है सोयाबीन की बड़ी और साथ ही लिया है मैगी जो बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि मैगी डालेंगे तो बच्चे पूरा खाना चट कर जाएंगे, इसलिए हम साथ में मैगी डाल रहे हैं। मैं अब बनाने के लिए एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई में पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं डाल दूंगी उसमें सोयाबीन की बड़ी, उसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी भिगो करके। अब हम काटेंगे प्याज और शिमला मिर्च। सबसे पहले मैं प्याज को काट लूंगी और शिमला मिर्च को, अगर आपके पास गाजर हो पत्ता गोभी तो उसे भी डाल लीजिए अगर आपके बच्चों को पसंद हो, पर मेरे पास नहीं था। जो भी घर में होता है तो उसी से बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब जिद करने लगते हैं तो बनाना ही पड़ता है कोई सब्जी हो या ना हो। शिमला मिर्च और प्याज को मैंने काट करके रख लिया है और अदरक लहसुन को भी मैंने छील काट करके रख लिया है। सभी तैयारी हो रही हैं। एक साइड हमारी जो सोयाबीन की बड़ी है वो भी भिगो दी है मैंने। अगर आपको याद रहे तो 10-15 मिनट पहले आप ठंडे पानी में भी सोयाबीन की बड़ी को भिगो दें तो अच्छे से फूल जाती हैं, पर मुझे याद नहीं था कि मुझे बनाना क्या है। पर बच्चे जिद करने लगते हैं तो जल्दी जल्दी में बना रही थी, इसलिए मैंने गर्म पानी में भिगो करके रख दी है जिससे सोयाबीन की बड़ी जल्दी फूल जाएंगी। 5 मिनट लगेगा बड़ी को भिगोने में। अब शिमला मिर्च को भी हम काट लेंगे, थोड़ा लंबा लंबा साइज में काटेंगे जिससे देखने में अच्छा लगे। ऐसे ही काट करके हम रख लेंगे। अब हम बनाना शुरू करेंगे। सोयाबीन की बड़ी को पहले हम निचोड़ेंगे उसका पानी। अब हम लेंगे खल्ला मूसर, उसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक हरी मिर्ची, इसे कुचल लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए लहसुन आप ज़रूर डालना जब ये नाश्ता बनाना। मैं आज ये शाम के नाश्ता बनाया था, बच्चे और बड़े सभी लोग ने खा लिया। मुझे तो सब्जी भी नहीं बनानी पड़ी थी शाम के, क्योंकि ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी था तो सभी लोग खा गए। और एक कढ़ाई मैंने बनाया था, देखो लहसुन अदरक हरी मिर्ची को मैंने कुचल करके रख लिया है। यहाँ हमारी सोयाबीन की बड़ी भी अच्छे से फूल गई हैं, 6-7 मिनट के लिए मैंने भिगो करके रख दिया था गर्म पानी में। अब इसका हम पानी निकाल लेंगे, पूरा निचोड़ देंगे। इसका पूरा पानी हम निकाल करके रख लेंगे। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे अगर ऐसा नाश्ता आप बनाओगे। सोयाबीन की बड़ी में निचोड़ने के बाद उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, और हमने चावल का आटा लिया है, हमने 3-4 चम्मच डाला है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो उसे डाल लीजिए। अब इसमें हल्दी नमक धनिया लाल मिर्च कश्मीरी मिर्च डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जो भी सोयाबीन की बड़ी में पानी होगा तो आटा को सोख लेगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ऊपर से, इतना डालेंगे कि आटा अच्छे से ये कोट हो जाए। थोड़ा सा आटा ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं, आप एक साथ आटा इकट्ठा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें। मुझसे ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा। अब अच्छे से पूरा आटा चिपक गया है। एक दूसरी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच तेल लूँगी, ज़्यादा तेल नहीं लूँगी, नहीं ये पूरा बड़ी तेल पी जाती हैं, इसलिए हम 2 चम्मच तेल ही डालेंगे और इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे, देखो पूरा तेल सोख लिया है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं, पर इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें तड़का भी लगाएंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और सोयाबीन की बड़ी हमारी फ्राई हो गई हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं। अब उसी कढ़ाई में हम दोबारा 1 चम्मच तेल डालेंगे। जो लहसुन अदरक हरी मिर्ची को कुचर करके रखा था इसे पहले फ्राई कर लूँगी। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी, प्याज को भी फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट तक। जब प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी उसके बाद डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च, इसे भी 1-2 मिनट तक पका लेंगे।
इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, एक चम्मच कलौंजी, एक चुटकी डालेंगे हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च, पिज्ज़ा सीजनिंग जो पिज्ज़ा में डालते हैं एक चम्मच उसे डाल दिया है, और ओरिगैनो जो होता है एक चम्मच डाल देंगे, रेड चिली सॉस, शेजवान चटनी एक चम्मच, सोया सॉस और एक बड़ी चम्मच डाल देंगे, टोमेटो सॉस जो भी आपके पास सॉस हो उसे डाल लीजिए, और इसे एक दो मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद एक चम्मच विनेगर डाल देंगे, एक गिलास पानी डालेंगे, विनेगर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैगी डाल देंगे, जो मैगी में मसाला होता है उसे डाल देंगे, मैगी के अंदर ये पैकेट में निकलता है मसाला उसे भी मैं डाल दूंगी, और इसे मैगी को अच्छे से ग्रेवी मिक्स कर देंगे। मैगी जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो अपने आप मिक्स हो जाएगी, देखो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम बड़ी डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी है, इसे ग्रेवी के साथ में अच्छे से पका लेंगे 4-5 मिनट तक। अब इसे मिला देंगे, ये हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है परोसने के लिए, इसे आप गर्मा गर्म ही एंजॉय कीजिए। अब इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे और हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसे आप ये सोयाबीन बड़ी की मंचूरियन या मैगी कुछ भी कहें, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पर एक बार जब आप बनाओगे तभी आपको यकीन होगा कि ये नाश्ता कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है। जब 5-6 बजे भूख सताने लगती है कुछ खाने की इच्छा होती है, तो इस नाश्ता को एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।